दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में आने वाले दर्शनार्थियों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए दो स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेले में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है तथा महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाई गई है, जिससे महिलाओं को कोई भी दिक्कत न होने पाए। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को मेले में आने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे लोग मेले में महोत्सव में आसानी से पहुंच सके और महोत्सव का लुत्फ उठा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क में मुख्यतः आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर और अंदर सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक को लेकर दो पार्किंग बनाई गई हैं, जिसमें एक पार्किंग जब आप पैडलगंज से चलते हैं तभी है और एक न्यू निकुंज वाटर पार्क में पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग सरकारी जो कर्मचारी कर रहे थे उनके लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। साथ ही सभी दौरों पर DFMD लगाई गई है, जितने भी मुख्य चीज़ें हैं वो लगाई गई, बाकी PSC की भी रिजर्व ड्यूटी लगी हुई है। यद्यपि इनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, फिर भी एक रिजर्व ग्रुप में ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी चीज़ें हैं उसमें चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई, साथ में एक महिला बूथ भी बनाया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसेप्ट है कि पिंक बूथ, वो महिला बूथ भी बनाया गया है। अगर किसी महिला को कोई समस्या है तो जहाँ पे ड्यूटी में जो कार्यरत महिला उसको बता सकती है, अगर वहाँ ना हो तो हमारे पुलिस थाने के जस्ट बगल में महिला बूथ बनाया गया है, वहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकती है। वहाँ समस्या उनकी महिला द्वारा ही सुनी जाएगी और उनकी समस्या का सत्वर निराकरण कराया जाएगा।